हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कपड़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे कपड़े हमारे मन और दिमाग को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से ये कपड़ों की वजह से भी हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। सबसे पहली बात, आज के समय में जो देखने को मिल रही है कि लोग अपनी दिनचर्या में इतना बिजी हो गए हैं कि शायद उन्हें सुबह को वस्त्र धोने का टाइम ही नहीं मिलता है, और उन लोगों ने रात को वस्त्र धोना शुरू कर दिया है। रात को ही धोते हैं और रात को ही सुखा देते हैं। क्या आप जानते हैं, जो आप ये रात को वस्त्र धो रहे हैं और रात को आप वस्त्र सुखा रहे हैं, ये कितना ज्यादा नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वही वस्त्र आप पहन लेते हैं। यानी कि वो पूरी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है और वो पूरी की पूरी नेगेटिविटी आप अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर रहे हैं उन कपड़ों के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कपड़े बेशक उठा के रख दीजिए, अगले दिन धो लीजिए, लेकिन रात के समय कपड़ों को नहीं धोना है और ना ही रात के समय कपड़ों को सुखाना है। क्योंकि जब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटली डिस्टर्बेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने जीवन से पीस खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के समय में हम देख रहे हैं कि फ्लैट्स होते हैं तो कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं जहां धूप नहीं आती है, या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर ही हम अपने कपड़ों को ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद फैन के नीचे हवा लगाकर रख देते हैं, दैट्स इट, कपड़े सूख गए। पर क्या आप जानते हैं कि कपड़ों के अंदर धूप लगना कितना ज्यादा जरूरी होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके अंदर ये पावर होती है कि जो हमारे कपड़ों में नेगेटिविटी गई है वो उस नेगेटिविटी को काटता है सूर्य का प्रकाश, और दूसरी कोई चीज ही नहीं है जो इस नेगेटिविटी को खत्म कर दे। और देखिए, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम अपने कपड़ों को सूर्य का प्रकाश दे ही नहीं रहे हैं। पंखे से सुखा लिया या फिर वॉशिंग मशीन ड्राई करके सुखा लिया, कपड़े हमारे सूख गए। पर ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि इससे आप सोचिए, जिन कपड़ों के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है उनके अंदर पॉजिटिविटी जा ही नहीं रही है, और ऊपर से आप जब उन वस्त्रों को पहन लेते हैं तो आप सोचिए कि वो कपड़े आपकी स्किन पर, आपके माइंड पर कितना इफेक्ट डाल रहे होंगे, कितना ज्यादा। तभी तो आज के टाइम में हर कोई परेशान है। आप देखिए कितने लोग आज के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटली डिस्टर्बेंस से वो फंसे हुए हैं इस चक्कर में। सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता है उनके पास कुछ है ही नहीं, पर जो जीवन के हमारे स्तंभ हैं वो आज के इस कलयुग में सब लोग भूल चुके हैं। पर अगर यही इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू हो जाएं, तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, हम अपने जीवन के अगर हम सलीके को चेंज कर दें जीने का, तो शायद ये प्रॉब्लम्स कभी अट्रैक्ट ही ना हो हमारे जीवन में। आगे चलते हैं, क्या आप जानते हैं साड़ी पहनने का क्या महत्व होता है? और पहले के टाइम के जो लोग धोती कुर्ता पहनते थे, और आज के टाइम में भी हैं कुछ सात्विक लोग, पंडित लोग या बड़े बुजुर्ग, आज भी वो धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, बताइए इसका क्या, कभी आपने सोचने की कोशिश करी है? मैं आपको बताती हूँ, जो भी कपड़ा या जिस कपड़े के भी अंदर सबसे कम कटाई, सिलाई जितनी कम होगी, उस कपड़े के अंदर पॉजिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम जो भी वस्त्र आज के टाइम में पहन रहे हैं, डिजाइनर है, कैसा भी है, उसके अंदर कटाई छिटाई इतनी ज्यादा होती है कि वो कपड़ा आप सोचिए कितना नेगेटिविटी से बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही रीजन था कि पहले के टाइम के लोग साड़ी पहनते थे और पुरुष धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे। और अगर आप देखेंगे आज के टाइम में भी कुछ ऐसे तांत्रिक लोग हैं या पंडित हैं जो कि धर्म कर्म में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनका जो ऊपर भी कुर्ते की जगह वो
ऐसे करके एक चुन्नी होती है जिसे वो लपेटते हैं, क्योंकि उसमें सिलाई तो होती ही नहीं है, एक कपड़ा है पूरा। तो जिस कपड़े में सिलाई कटाई कम होती है वो कपड़ा पूरी तरह से सात्विक होता है और वो पॉजिटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि जो आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं उससे आप अपने शुक्र देव को प्रभावित कर रहे हैं, अपने शुक्र देव को खराब कर रहे हैं। लोग, मुझे नहीं पता मुझे बात बोलनी चाहिए या नहीं, पर जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो लोग फटे हुए गारमेंट्स पहनते हैं उससे भी हमारा शुक्र खराब हो रहा है। और शुक्र देव प्रभावित होने का अर्थ है कि हमारे दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य सुख है, उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि गारमेंट्स फटे हुए आप पहन रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है आप सोचिए वो कितनी ज्यादा है। तो बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात कहे गए हैं तो उसको समझिए, उसके पीछे क्या साइंस है उसे जानने की कोशिश करिए, क्या पता वही चीजें आपको लाभ दे जाए। तो अब आप सोचिए, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूं कि आप इनमें से कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहे हैं, जो भी आप फटे हुए कपड़े किसी भी रूप में पहन रहे हैं तो वो आपके शुक्रदेव को प्रभावित कर रहे हैं। जो हम वस्त्र पहनते हैं ना, जिन पे लिखा हुआ होता है, कुछ कुछ प्रिंटेड होता है और एनिमल्स के चित्र होते हैं, और ब्लैक कलर के खासकर, उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है और वो वस्त्र सबसे ज्यादा जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बुरा समय चल रहा है या शनि राहु केतु के प्रभाव की वजह से आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो मेरी बात का विश्वास मानिए, आप उस समय नीला और काला रंग अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि नीला और काला रंग बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद आप सोचिए वो प्रभाव आपके ऊपर ही डाल रहा है। तो आपने सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो मना किया जाता है कि 1 साल तक काला और नीला रंग नहीं पहनना है। उसका अर्थ यही होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को ज्यादा खींचते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल कपड़े होते हैं, नेचुरल का मतलब है कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, इनके अंदर वो पावर होती है कि वो पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे से ग्रैप कर लेते हैं। और जितने भी हम आर्टिफिशियल फाइबर पहनते हैं, आर्टिफिशियल जो भी हमारे नाइलॉन हो गया या इस टाइप के जो स्टफ्स होते हैं, वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करते हैं। तो कोशिश करें कि आप कॉटन के या सिल्क के कपड़े पहने, प्लेन पहने जिसमें प्रिंट व्रिंट ना हो, कुछ लिखा ना हो, कुछ छपा हुआ ना हो, सूर्य की रोशनी दें। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो नीला और काला अवॉइड करें, कम से कम सिलाई वाले कपड़े पहने। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी समझ आया हो जरूर अपनी दिनचर्या में आप उसको फॉलो करें और देखें कि उससे आपके जीवन पर आपकी कितना प्रभाव पड़ा है, आपका डिप्रेशन लेवल कितना कम हुआ है, आपका मानसिक जो प्रॉब्लम थी आपको वो कितनी कम हुई है। डेफिनेटली आप 1 महीने के अंदर इस रिजल्ट को देख सकते हैं। बस एक बार इसे अप्लाई करिए और मुझे रिजल्ट जरूर बताइए। धन्यवाद।